नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में दोहरी मार झेल रही जनता को कोविड के साथ ही पुलिस की मार भी झेलनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार झेल रहे लोगों को पुलिस की मार भी झेलना पड़ रही है। लॉकडाउन के नियमों के पालन के नाम पर पुलिस की मनमानी भी बढ़ती जा रही है और जिन लोगों के पास दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है उन पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के नाम पर ₹1000 का चालान काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस गाली गलौज और मारपीट से भी बाज नहीं आ रही। इसका एक जीता जागता सबूत रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में पुलिस वालों द्वारा एक व्यापारी के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना के रूप में देखने को मिला है। पीड़ित व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और जैसे ही पार्टी के स्थानीय नेताओं को इसकी सूचना मिली तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बिलासपुर थाना पहुंच गए और पुलिस को जमकर हड़काया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की इस बदसलूकी को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की बात भी कही है। बिलासपुर में व्यापारी के साथ घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है। उसके साथ इतनी बदतमीजी, एक आम आदमी के साथ कितनी बदतमीजी हो रही होगी, इसको देखकर मुझे आज सूचना मिली। जैसे कि ये वीडियो मेरे को आया कि मैं तुरंत बिलासपुर आया हूँ और मैंने उच्च अपने अधिकारियों से भी बात करी है और अपने जो वरिष्ठ प्रदेश के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने ये बात पहुँचाई है और निश्चित रूप से इन लोगों पर जिन्होंने बदतमीजी करी है कार्रवाई होगी और कभी भी किसी भी कीमत पर पूरे जनपद में हम कार्यकर्ता के साथ या किसी भी आम आदमी के साथ कोई भी जाति नहीं होने देंगे और जहां भी इस तरह की जाति या इस तरह की बदतमीजी होगी तो हम तुरंत कम से कम मैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।